हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आप लोग सब जानते हैं कि मैं अभी अपने वेट लॉस जर्नी पर हूँ। तो मैं अपने चैनल पर पोस्ट करती हूँ वीडियो रिलेटेड माय वेट लॉस जर्नी। तो आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि आप लोग टाइटल से भी समझ गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो कि कई सारे लोगों को जिसकी ज़रूरत है और काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी। तो बस उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी जानने वाले को इस वीडियो की नीड है, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं जिस टॉपिक की बात करूँ उसे टाइटल से तो आप लोगों को पता है कि मैं किसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ इसकी, बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने, मुझे एक साल पहले क्यों नहीं पता चला इसके बारे में। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो गाइज, ये है फास्ट एंड आपका गुड ईट्स का इंस्टेंट प्रोटीन मसाला ओट्स। तो इसके अंदर क्या क्या लिखा है पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो गाइज, ये है, इसमें 10 ग्राम, मतलब ये जो पूरा पैकेट है इसके अंदर 10 ग्राम प्लांट प्रोटीन है। नो रिफाइंड शुगर, सबसे बढ़िया बात, जो कि किसी भी पैकेट वाली चीज़ में तो होती नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ऐसा मेंशन है कि नो रिफाइंड शुगर, प्योरली वेगन प्रोडक्ट है और सोया फ्री है, क्योंकि मेरे को थायराइड है। थायराइड में सोया प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब अनहेल्दी होता है, हमें नहीं खाना होता है, हमें अवॉइड करना होता है जितना हम अवॉइड कर सकें। तो ये सोया फ्री है, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर ये नो पाम ऑयल है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लिखा है नो आर्टिफिशियल स्वीटनर, मतलब इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डला हुआ है। नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और नो एनिमल एक्सट्रैक्ट्स, प्लस नो पाम ऑयल। ये सारी चीज़ें, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हेल्दी भी है, जो कि टेस्टी भी है, और उसमें सारे बेनिफिट्स आपके पास आपको मिल जाएंगे। और खूब सारी वेजीज जली हुई हैं इसमें, खूब सारे मिक्स सीड्स हैं, तुलसी के सीड्स हैं, हाई प्रोटीन है, 2.5 times ज़्यादा प्रोटीन आपको इसमें मिलेगा, हाई इन फाइबर है, रोल्ड ओट्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस एक पैकेट में मिल जाएगी, इस एक प्रोडक्ट में मिल जाएगी। और पता है आपको सबसे अच्छी बात क्या है, आज के टाइम पे ना हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है, मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा कमी हम लोगों के पास है टाइम की। हम लोगों के पास टाइम नहीं होता कि हम कुछ ऐसा बना सके जो बहुत हेल्दी भी हो, बहुत टेस्टी भी हो और झट से बन जाता हो। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट लगाता है और बन जाता है, और बहुत ही टेस्टी है। तो मतलब अगर आप इसे खा रहे हो तो बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगा आपको, बिल्कुल गिल्ट फ्री आपका ईट होगा ये, मतलब मील होगा ये। और हाँ, एक चीज़ और, इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो, या जब स्नैक्स खाते हो तब भी खा सकते हो, मतलब किसी भी टाइम आप इसे खा सकते हो। हेल्दी और सबसे ज़्यादा कम टाइम में बनने वाला टेस्टी सा ओट्स, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आप फास्ट एंड आपकी वेबसाइट पर जाकर इसको, मेरे जो कोड आपको मेंशन हो रहा है, इस कोड को अगर आप डाल के आप लेते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना मन मार मार के खाना खाते हैं। कई बार हमें कुछ ऐसा खाने का मन होता है जो कि झट से बन जाए, जो कि बहुत टेस्टी हो और उसे खाने के बाद गिल्ट भी ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम डाइट पर होते हैं, अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं, वेट कम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर ना हमारे साथ ऐसा होता है। कई बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आपको कुछ खाने का मन हुआ और आपने खा लिया, बाहर से कुछ मंगा के खा लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि बस उसके बाद अगले दिन आपको इतना गिल्ट होता है कि यार मैंने पूरे हफ्ते की मेहनत ख़राब कर दी, मैंने इतना अनहेल्दी खा लिया, मैं क्या करूँ, मैं क्या। तो वो चीज़ आपको नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका मन ऐसा हो रहा है कुछ खाने का, तो आप इसे खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और टेस्टी भी है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, और गिल्ट फ्री भी, आपको गिल्ट भी नहीं होगा खाने के बाद। बाकी इसकी रेसिपी आपको वीडियो में एंड में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो मुझे वो भी बता देना, फिर मैं वो भी ट्राई करूंगी, ठीक है। तो चलो अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।